तो आज देख लीजिए सुबह सुबह हस्बैंड जी ये कितने प्रकार का फूल लेकर आए हैं। यहाँ पर ना लगभग 12 से 13 प्रकार का फूल है, इससे भी ज़्यादा है, मतलब लेके आते हैं वो इससे भी ज़्यादा, लेकिन आज इतना ही मिला। और ये ना उन्हीं का ही डिमांड है कि मैं दिखाऊं। उनका कहना है कि मैं रोज़ दिन फूल लेकर आता हूँ लेकिन तू वीडियो नहीं बनाती है, नहीं दिखाती है। तो आज देख लीजिए मैं आप लोगों को दिखा ही दी कि क्या क्या फूल लेकर आए हैं। और आज ना अपराजिता का ना ये दो प्रकार का लेकर आए हैं, एक वाइट है एंड एक नीला है। तो चलिए इसी से ही आज के इस ब्लॉग को स्टार्ट करती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर ब्लॉग। सो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आज है मंडे, तो सावन का ये मतलब जो मेन सावन है ना, तो उसका आज लास्ट सोमवार है। और जो अधिक मास है उसका तो अभी भी है, एक दो और बचा हुआ है। तो आज क्या है ना कि हम लोगों ने कोई भी प्लान ऐसा नहीं था कि हम लोग जाएंगे या मतलब कल भी हम लोग यही बोले कि देखते हैं मन करेगा तो जाएंगे, वैसे ही हो गया। और हस्बैंड जी तो पहले ही सुबह उठ जाते हैं और मैं क्या कि मैं सोते रह गई मैं सोते रह गई, मैं उठी ही नहीं। लेकिन वही है कि मन नहीं मानता है ना। तो उसके बाद अभी लगभग 10 बज रहा है और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ। आज मैं पहनी हूँ साड़ी, ये ऑरेंज कलर का साड़ी है एंड इसके साथ में ना ये कॉटन का ब्लाउज है। तो ये दोनों ही कॉटन का है, साड़ी भी है और ब्लाउज भी है। तो मुझे ना ऐसे सॉफ्ट कॉटन जो होता है ना वो मैं पहन लेती हूँ, और एक जो हार्ड कॉटन आता है ना वो मैं नहीं पहनती हूँ, और मुझे अच्छा ही नहीं लगता है, पता नहीं क्यों पहन ही नहीं पाती हूँ। ये भी बहुत जल्दी मैं हड़बड़ी हड़बड़ी में 5 मिनट में पहनी हूँ। और ये रहे मेरे साधु बाबा जी यहाँ पर तो ये क्या बोलते हैं ना, काम में गए थे, वहाँ पे अपना थोड़ा बहुत काम निपटा लिए, देन उसके बाद अभी आए हैं। और अभी हम लोग जाने वाले हैं, हमारे घर के पास नहीं है। तो क्या है ना कि हम लोग ना गूगल से सर्च कर करके ही जा रहे हैं। तो वैसे तो हम लोग इधर उधर जाते ही रहते हैं रायपुर साइड में, लेकिन आज ना हम लोग के घर के पास में ही जा रहे हैं, वो थोड़े गाँव साइड में ही है। चलिए अभी हम लोग निकलते हैं और एज ऑलवेज हम लोग घर से ही पूजा का सामान वगैरह ले ले रहे हैं। एंड रास्ते में हम लोग रुकेंगे, थोड़ा बहुत घी वगैरह बत्ती वगैरह ये सब लेना है, तो वो मैं घर से नहीं ली हूँ। चलिए अभी मैं निकलती हूँ, पूरा पसीना पसीना हो रखी हूँ, इतना पसीना आ रहा है, इतना गर्मी लग रहा है, पता नहीं बारिश कहाँ मर गया है। सावन का सोमवार है लेकिन एक भी सोमवार को बारिश नहीं हुआ है। शुरू में एक सोमवार को हुआ था, बस उसके बाद हुआ ही नहीं है, पता नहीं क्या सावन है। चलो बोलबम दोस्तों, और आज सावन का सोमवार 14/8/2023 है, 14 अगस्त, तो 14/8 ना, 14 अगस्त, कल 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है। और ये देखिए पीछे हम लोग जा रहे हैं अभी जल चढ़ाने, हमेशा की तरह हो चुका है पूजा भी, और जो जगह जा रहे हैं देखते हैं उसकी कहानी क्या है, फिर आप लोगों को बताते हैं। चलो चलते हैं, बोल लो कि सफर में ये रहा मेरा फुल साड़ी। और ये देखिए ऑरेंज, मैं ब्लैक एंड व्हाइट हो गया हूँ। मैं आज सोची ना कि नहीं मैं ऑरेंज ही पहन लेती हूँ, अच्छा लगेगा, तो मैं बस ये कॉटन का ऑरेंज साड़ी था तो मैं इसी को ही पहन ली। एंड मुझे ये कलर भी अच्छा लगता है एंड साथ में इसके साथ तो नेवी ब्लू है, मेरा फेवरेट कलर। वहीं पे लगा के रख के आ गए हैं क्या? देख लीजिए अंदर, कूलर के ऊपर तो नहीं है, बिस्तर में छोड़ दिए क्या? गाड़ी में ही छोड़ दिए। इनका एक गंदा आदत है पता है, बहुत बार ऐसे किए हैं। एक बार हम लोग राम मंदिर गए थे वहां पर भी वैसे ही छोड़ दिए थे, उस दिन महादेव घाट गए थे वहां पर भी वैसे ही गाड़ी के डिक्की में ही छोड़ दिए थे चाबी, और अभी भी हमेशा ऐसे ही करते हैं। हाँ महादेव रक्षा करता है, चेक करने के आशीर्वाद बाबा का मिल रहा है तो बराबर। घी और गोल वाला बत्ती। हस्बैंड जी अभी ये अंदर गए हैं, यहाँ से ना ये जो पूजा सामग्री का जो दुकान है ना, तो यहाँ से वो ले लेंगे गोल बत्ती और साथ में घी जो कि अभी पूजा में लगेगा ही।
पता नहीं मिला या नहीं। नहीं मिला, नहीं मिला। अभी हम लोग देख लीजिए कि लाइन में खड़े हैं, और लाइन में खड़े हुए ना बहुत देर हो चुका है, लगभग 15 से 20 मिनट तो हो ही चुका है तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और धूप भी वैसे ही है, और यहाँ पर देख लीजिए कि कितना सुंदर नक्काशी किया गया है। और आप लोगों को मैं बता दूँ तो ये मंदिर ना बहुत ही पुराना है, आज से लगभग 800 से 900 साल पुराना तो होगा ही मुझे जहाँ तक पता है। अभी हम मंदिर के अंदर घुस चुके हैं, और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि बहुत सारी नक्काशी की गई है, जिसमें बहुत सारे भगवान के स्वरूप भी बनाए गए हैं। और ये ना पूरा पत्थर से ही बनाया हुआ है, इसमें कोई भी सीमेंट का यूज़ नहीं किया गया है। इसीलिए ही आप लोग देखे होंगे कि नंदी भगवान को ना प्लास्टिक में रैप करके रखे थे, क्योंकि ये सब पत्थर में एक बार अगर काई पड़ जाए ना तो निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। जल चढ़ा दिया दोस्तों, अभी बहुत लाइन थी और बहुत भीड़ थी और बहुत कुछ था। अभी ये बना रहे हैं हम लोग, ये धूप जलाएंगे। महादेव जी को जल चढ़ाने के बाद यहाँ पर हम लोग इस कुंड से फिर से पानी ले लेंगे। जो भी यहाँ पर आते हैं इस कुंड का ही पानी भगवान को चढ़ाते हैं। और यहाँ पर ना बहुत सारे छोटे छोटे कछुए भी हैं, तो यहाँ की भी एक ख़ास मान्यता ये है कि ये कुंड इतना गहरा है कि इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इस कुंड में अगर कोई उतरे तो इसका रास्ता ना आरंग की ओर जाता।
ये छत्तीसगढ़ का एक प्राचीन मंदिर है जहाँ पर बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पूजा करने के लिए आते हैं। और इसका एक खासियत ये है कि यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि मंदिर का कोई भी गुंबद नहीं है। जो भी मंदिर बनता है उसके ऊपर गुंबद ज़रूर होता है, लेकिन यहाँ पर जो कारीगर काम कर रहे थे वो इस मंदिर को आधा ही छोड़कर चले गए, इसके बाद कभी बना ही नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि नंदी भगवान का जो मंदिर है वहाँ पर भी कोई भी गुंबद नहीं है। तो ये बिना गुंबद का ही एक मंदिर है जो कि आधा अधूरा ही रह गया, और ये 13वीं सदी से ही ऐसा आधा अधूरा ही है। और ये रहा इसका मेन एंट्रेंस, और इसके बगल में ही है ये पीपल का बड़ा सा वृक्ष जो कि बहुत पुराना है। मुझे नहीं पता, लेकिन गांव वाले भी इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग बातें भी बोलते हैं, जैसे कि ये मंदिर जब बना था तब 6 महीने रात था, लेकिन सच में ऐसा हुआ है या नहीं नहीं पता। तो हम लोग का तो पूजा करना पहले ही कंप्लीट हो चुका है एंड अभी हो रहा है बारिश। भगवान जी मेरा बात सुन लिए। मैं बोल रही थी ना कि क्या सावन है, बारिश भी नहीं हो रहा है, एक भी सोमवार को बारिश नहीं हुआ, तो भगवान जी हमारा सुन लिए। और अभी जोर जोर से ही बारिश हो रहा है, लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर रुके हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है बहुत। और ये ना बहुत पुराना मंदिर है जो कि सिर्फ पत्थर से ही बनाया गया है, और मैं तो बताई ही इसका कोई गुंबद नहीं है। बहुत ज़ोर से बारिश हो रहा है। यहाँ पर हम लोग खड़े हैं, छाँव में ही खड़े हैं, इतने ज़ोर से बारिश हो रहा है ना कि क्या ही बोलूँ। और हस्बैंड जी ना इधर अपना मुंह बना रहे हैं, क्योंकि ना बहुत लेट हो गया है, अभी लगभग 12:30-1 बज रहा है, और अभी हम लोग यहीं पर ही है। और हस्बैंड जी को ना काम के साइड में भी जाना है, उनका देरी हो रहा है। और यहाँ पर मैं अपना रियल वॉइस नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पर डीजे बज रहा था। अभी थोड़ा सा बारिश कम हुआ है तो हम लोग निकले हैं, लेकिन फिर भी बारिश गिर ही रहा है। जोर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो ही रहा है। घर जाते जाते तक हम लोग भीग जाएंगे। और यहाँ पर ना गाना बज रहा है, इस वजह से ही ना मैं कुछ भी बोल नहीं पाई। तो अभी हम लोग यहाँ ये टनल के आप वहाँ पे आके रुके हैं, पीछे से ये रोड आ रहा है। और हम लोग को ना जाते टाइम ना इसी रोड से ही जाना था, लेकिन क्या हो गया था ना कि उस टाइम ना जब हम लोग यहाँ से गुजरे तो बहुत सारा मतलब लाइन से ना गाय आ रहा था, भैंस आ रहा था ना, तो उसी वजह से हम लोग सोचे कि नहीं आगे से भी एक रूट है, चल जाते हैं। और जाने में हम लोग को बहुत लेट हो गया, और वही हुआ कि वहाँ जाके लाइन लगाना पड़ा। पूरा भीग चुकी हूँ, और ये भी पूरा भीग चुके हैं, और इनको लेट हो रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा कि अभी क्या करेंगे, इसीलिए इनका मुँह पूरा बना हुआ है ना, कुछ नहीं बोल रहे। पूरा साधु बाबा बन गया है, साधु बाबा। क्यों क्यों बोले मोर साधु बाबा, मोर साधु बाबा है। 1 महीना बाबा का, 11 महीना तेरे। मेरा बाबू हो गया है महादेव का दीवाना ना। अभी हम लोग घर जा रहे हैं और पानी खत्म हो गया। आज मेरा बात लग गया, मतलब आज भगवान मेरा बात सुन लिया। ये कैसा सावन है कि एक भी सोमवार को बारिश नहीं हुआ, लेकिन आज धो के गई थी, और साथ में कल का भी सूखा कपड़ा वो भी मैं बाहर डाल के गई थी, वो सब फिर से भीग गया है। मैं क्या ही बोलूं। और हम लोग अभी पूरा थक चुके हैं, और मेरे सिर में पानी गिर गया है, मेरा सिर दर्द भी स्टार्ट हो चुका है, यही होता है मेरे साथ।
और अभी क्या है ना कि ये सब जितना कपड़ा है ना, बारिश हो चाहे कुछ भी हो, मैं धो ही दूंगी, क्योंकि बारिश का जो पानी होता है ना वो अगर कपड़े में रह जाए और फिर सूख जाए ना तो तीलहा पड़ जाएगा, काला काला हो जाएगा, और उनका तो व्हाइट शर्ट है और दिखेगा, तो काला काला तीलहा पड़ जाने से फिर कपड़ा अच्छा नहीं दिखता है। तो चलिए पहले ना मैं फ्रेश हो जाती हूँ और कपड़े वगैरह सब धो लेती हूँ, देन उसके बाद ही मैं आप लोगों से मिलती हूँ। टीका भी पता नहीं कैसे हो गया है बारिश के वजह से, तभी फ्रेश नहीं हुई हूँ, हो जाऊंगी। क्या है ना कि मंदिर से आने के बाद ना हाथ पैर धोते नहीं है, तो वही थोड़ा सा वेट कर लूँगी, इधर उधर कुछ कर लूँगी, देन उसके बाद ही मैं सब करूँगी। और हस्बैंड जी तो चले गए अपने काम में। क्या होता है ना कि काम का ही उनका शेड्यूल ऐसा रहता है ना कि मतलब जैसे दोपहर में हो गया, रात को हो गया, सुबह के ब्रेकफास्ट में हो गया, तो अवेलेबल होना पड़ता है वहाँ पे। तो अभी क्या बोलते हैं, अभी लंच का टाइम हो चुका है, तो फिर वो वहाँ चले गए हैं। मैं आप लोगों के साथ रायपुर का हो गया और हमारे घर के आसपास का जो प्राचीन मंदिर है, जो बहुत ही पुराना मंदिर है, मैं वो सब आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। हम लोग भी पहली पहली बार ही जा रहे हैं, ये सब कुछ ना मैं गूगल से ही सर्च कर करके निकाल रही हूँ, जा रही हूँ, तो आप लोग के साथ भी शेयर कर रही हूँ, एंड मेरा एक मेमोरी भी बन रहा है। तो यही है कि आगे चल के कुछ साल बाद जब मैं पीछे मुड़ के देखूंगी तो मैं यही सब वीडियो पाऊंगी, और मुझे अच्छा लगता है मेमोरी क्रिएट करना ताकि आगे चलकर ना मैं ये सब कुछ देख सकूं। बहुत कुछ ना छूट गया है पीछे, बहुत कुछ ऐसा था कि रिकॉर्ड होना था, उसका एक मेमोरी वीडियो बनना था, लेकिन वो नहीं बना है। और इसी वजह से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी भी चीज़ को शूट करूँ, उसको अपना मेमोरी बना कर रखूँ। तो यही बात है, ताकि मैं आगे चलकर जब पीछे मुड़ के देखूं, जब कभी कुछ चीज़ याद आए तो मैं अपना वीडियो देख सकूं। तो आज के इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूं। वीडियो अगर किसी भी रीज़न पे अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। हर हर महादेव।